सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VPN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेनी है, अगर आपके फ़ोन में कैपकट ऐप नहीं है। कैपकट ऐप है तो अच्छी बात है। तो टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके फ़ोन में पहले टेलीग्राम ऐप भी होना चाहिए। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर ऊपर साइड में थ्री लाइन पर क्लिक करना है, आपके सामने कैपकट ऐप आ जाएगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। ये डाउनलोड करने के बाद और गाइस, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह डेली अपडेट देता रहता हूँ, तो आप ईज़िली डाउनलोड कर लोगे। ये डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो जो आपने प्ले स्टोर से VPN डाउनलोड करोगा, आपको उसे कनेक्ट करना है। अगर आप इसे कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके ऐप में इफेक्ट वगैरह नहीं आएंगे। तो जैसे यहाँ से मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट हो गया। अभी आपको बाहर को आ जाना है। बाहर को आने के बाद यहाँ पर आपको अपना कैपकट ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस आपको एक अपनी वीडियो एड करनी है, जिस वीडियो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पर मैं एक फ़ोटो एड कर लेता हूँ, आप वीडियो पर बना सकते हो, फोटो पर बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। फ़ोटो लेते हो तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट वाला, फॉर्मेट पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज लगा के टू फिंगर से वीडियो के लेयर को फुल जूम कर लेना है। फुल जूम करने के बाद एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। अभी यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को बड़ा करना है, तो कितना बड़ा करोगे, आपको बड़ा कर लेना है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले एक वीडियो लगा देते हैं। तो वीडियो आपको कहाँ लगानी है, शुरू में आना है, नीचे यहाँ पर ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। तो गाइस, आपको यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको ये वाली वीडियो लगा देनी है। इसमें इस वीडियो को बाद में हम डिलीट कर देंगे। इस वीडियो को लगाने के बाद छोटा करके इसे आप साइड में रख लेना, ताकि स्प्लिट करने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। अब इस तरीके से आपको धीरे धीरे, सबसे पहले उससे पहले आपको एक काम और करना है इसमें, अगर आपकी वीडियो रहती है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लो आपकी वीडियो फास्ट है, स्लो मोशन नहीं है आपकी वीडियो में, तो मैं जब आपको बता रहा हूँ तो देखिए, जहाँ से आपको स्लो मोशन वीडियो रखनी है, मतलब जहाँ पर आपको 5 सेकंड पर आना है ये वाले पार्ट पर, तो ये आपको ये वाली वीडियो से देख लेना है। इस तरीके से आगे चलना है। देखिए, जहाँ पर ये वाली वीडियो का कलर चेंज हो गया, वहाँ से आपको एक स्प्लिट लगा लेना अपनी वीडियो पर क्लिक करके। अब आपको क्या करना है, जो शुरू वाला आपका वीडियो का पार्ट रहेगा वो आपको उसे नॉर्मल रखना है, और जो सेकेंड वाला पार्ट रहेगा, स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, नीचे स्पीड वाला ऑप्शन है, नॉर्मल पे क्लिक करके उसकी स्पीड आप कम कर लेना, आपकी वीडियो स्लोमो हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोटो में स्लोमो नहीं कर सकता, आपकी वीडियो स्लोमो हो जाएगी। अब आपको नीचे वाली वीडियो देखनी कहाँ तक है, तो जहाँ तक नीचे वाली वीडियो रहती है ना, आपको अपनी वीडियो को वहीं तक रखना है, बाकी वीडियो का पार्ट आपको डिलीट कर देना है स्प्लिट करके। अब आपको इफेक्ट कौन से लगाने इसमें वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है, ब्लर वाला, तो ब्लर वाला कहाँ मिलेगा, शुरू में आना है, यहाँ पर बैक करना है, नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके, यहाँ पर आपको मिलेगा गाइस ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला नेम का ऑप्शन, बेसिक भी आ सकता है आपके में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आने के बाद जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे ब्लर है ना, डायमंड जूम नाम का, आपको ये वाला इफेक्ट लगा देना, ब्लर लगा देना है। और इसकी लेंथ आपको कहाँ तक रखनी है, जहाँ तक आपने अपनी वीडियो को स्प्लिट करा होगा, ठीक है। अब आपको इस लेयर, मतलब इस इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, नीचे एडजस्ट पे क्लिक करना है। इसका आपको साइज़ बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो जैसे यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ और यहाँ से राइट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको एक फ़िल्टर और लगाना है इसमें, तो वो फ़िल्टर आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको शुरू वाले पार्ट पर आना है अपने वीडियो के, और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फ़िल्टर्स वाला, तो फ़िल्टर्स पर क्लिक करना है। फ़िल्टर्स पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद जो फर्स्ट में इफेक्ट आ रहा है ना कॉपर वाला, आपको ये वाला इफेक्ट लगा के राइट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से राइट कर दिया अब आपने। अब इसका और आपको कलर चेंज करना है, थोड़ा सा उसी की तरह रखना चाहते हो तो यहाँ पर इसके बराबर में एडजस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सेचुरेशन पर आना है, और इसकी आप सेचुरेशन कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए, मैंने कम कर दी, अभी उसी की तरह हो गई, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लेना। तो गाइस, यहाँ पर हमारी वीडियो बन गई है। अब आपको इसमें एक काम और करना है,
पहले तो यहाँ पर आपको एक बार बैक करना है। बैक करने के बाद आपको ये वाला जो आइकन आ रहा है ना, वीडियो का नीचे वाली का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो इसी वीडियो का आपको ऑडियो लगा देना है। ये लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में से भी जा सकते हो आप। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये नीचे वाली वीडियो का जो ऑडियो निकल के नीचे लग जाएगा। अब आपको फिर से एक बार बैक करना है, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस वीडियो पर, और इस वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। गाइस हमारी वीडियो बन गई है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा वीडियो। गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर साइज पर क्लिक करके फुल रेजोल्यूशन करके वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।